दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और नामीबिया के बीच खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़ा ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया है कि भारतीय टीम भले ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हो लेकिन उससे खतरनाक टीम अभी भी इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको भारतीय टीम के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ साथ इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और KL राहुल में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 8 नवंबर को भारतीय टीम 2021 के T20 वर्ल्ड कप का अपना आखिरी मुकाबला खेल रही है जिसमें वो नामीबिया की टीम को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली आखिरी बार भारतीय टीम की T20 कप्तानी संभालते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने इस आखिरी मुकाबले में कुछ ऐसा करते हुए नजर आए जिसे देखने के लिए तो उनकी आंखें हमेशा तरसती रहती हैं। दोस्तों इस मुकाबले में विराट कोहली टॉस जीतते हुए नजर आए और उन्होंने टॉस जीतते ही सबसे पहले इस बात की खुशी जाहिर की कि बिना किसी हिचकिचाहट के गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उनका ये फैसला पूरी तरीके से सही साबित होता हुआ नजर आया क्योंकि इस मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने नामीबिया के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी। इस मुकाबले में शुरुआत से ही भारतीय टीम नामीबिया पर दबाव कायम रखने में कामयाब रही। इस मुकाबले में शुरुआत में तो विपक्षी टीम के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया था जिसकी वजह से नामीबिया 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 31 रन बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन तभी भारतीय टीम के जबरदस्त गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई जब उन्होंने माइकल वॉन लिगन को एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया और गेंद उन्होंने सीधा मोहम्मद शमी के हाथों में थमाकर 14 रन पर आउट होकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद दोस्तों अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा जिन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी से क्रैग विलियम्स को स्टंप आउट करवा के बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों स्टीफन बार्ड को 21 रन पर LBW आउट करा के नामीबिया को तीसरा बड़ा झटका दिया। इसके बाद नामीबिया का स्कोर 9 ओवर में 3 विकेट खोकर 45 रन था। दोस्तों अब नामीबिया का हर एक बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा था क्योंकि अब रविचंद्र अश्विन ने भी अपनी खतरनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था जब उन्होंने आते ही लोफ्टी इटोन को 5 रन पर आउट करके विपक्षी टीम के ऊपरी बल्लेबाजी क्रम को धराशाही करके रख दिया। अब तो नामीबिया के लिए इस मुकाबले में 100 रन भी बनाना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था क्योंकि जब रविचंद्र अश्विन अपना अगला ओवर डालने आए तो उन्होंने खतरनाक नजर आ रहे गेरहार्ड इरास्मस को 12 रन पर ही आउट करके नामीबिया की आधी टीम को पवेलियन भेजने में अहम योगदान दिया। वहीं दोस्तों इस मुकाबले में एक लंबे समय के बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन की जोड़ी ने साथ मिलकर किसी विपक्षी टीम को घुटनों पर लाने में अहम योगदान दिया क्योंकि अब 15वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने जेजे स्मिथ को सिर्फ 9 रन पर आउट करके नामीबिया की बल्लेबाजी क्रम को धराशाही करके रख दिया था। वहीं अंत में डेविड वेजिन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया का स्कोर 110 के पार तक ले जाने में कामयाब रहे लेकिन वो अंत तक ना टिक सके और 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की ओर चलते बने और भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नामीबिया की टीम को 132 रनों पर रोकने में कामयाब रही जिसमें रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन की जोड़ी ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। वहीं जसप्रीत बुमराह भी 2 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे। दोस्तों 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और KL राहुल ने शुरुआत से ही नामीबिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करना शुरू कर दिया था जिसमें रोहित शर्मा ने पहले ओवर में जबरदस्त चौका जड़कर अपनी और भारतीय टीम की पारी की शुरुआत में रोहित शर्मा ने अगले ही ओवर में डेविड वेज की गेंदों पर एक शानदार चौका और एक जबरदस्त छक्का जड़ा जिसके बाद वो भारतीय टीम का स्कोर पहले 2 ओवर में 17 रन तक ले जाने में कामयाब रहे जिसमें 16 रन रोहित शर्मा के थे वहीं 1 रन KL राहुल का था। दोस्तों रोहित शर्मा की देखा देखी अब राहुल ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और उन्होंने एक जबरदस्त छक्का जड़कर ये दर्शा दिया कि वो भी इस मुकाबले में रोहित शर्मा की तरह हर एक गेंदबाज को जमकर धोएंगे और 133 रनों के लक्ष्य को 20 ओवर के पहले हासिल करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा था भारतीय टीम ने शुरुआत के 6 ओवर यानी कि पावर प्ले में 50 से भी अधिक रन बटोर लिए थे और अब रोहित शर्मा और KL राहुल खतरनाक लय में नजर आ रहे थे। दोस्तों जिस तरीके से ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 133 रनों के मामूली से लक्ष्य को 20 ओवर के पहले ही हासिल कर लेगी और इस मुकाबले में एक शानदार जीत हासिल करके वो 2021 के T20 वर्ल्ड कप के अपने सफर को समाप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी भारतीय टीम के इस जबरदस्त प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।